अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। आज हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस का ओवरव्यू करेंगे। इस वीडियो में, ये छोटी सी वीडियो है, इसमें मैं आपको सारा कोर्स इन डिटेल बताऊंगा, क्योंकि मैंने मुनासिब समझा कि मैं आपको एक प्रोसेस के तहत सारा डिटेल बता दूँ, ताकि फिर इसी को फॉलो किया जाए और हम रूटीन से और तरतीब से काम कर सकें। हाउ टू स्टार्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, इसकी कंपनी डॉक्यूमेंटेशन क्या है। सबसे पहले है कंपनी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। प्रोसेस क्या है कि एक आप नाम सेलेक्ट करते हो, फिर उसको उस नाम को उस कंपनी से रजिस्टर करवाते हो। तो उस कंपनी रजिस्ट्रेशन के बारे में डिफरेंट प्रोसेस है, मतलब क्या सोल प्रोपराइटरशिप है, क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, क्या AOP है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। इसके बारे में मैं कम्प्लीट वीडियो नेक्स्ट लेके आऊंगा कि कंपनी रजिस्ट्रेशन कैसे की जाती है। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, जब आपने कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा दी और फिर आपको बिजनेस अकाउंट चाहिए एक, ठीक है। इसके आगे मैंने वीडियो में लिखा, क्योंकि ये एक आम कॉमन सी बात है, बिजनेस अकाउंट खुलवाना कौन सी बड़ी बात है। आजकल तो हर बैंक के डिफरेंट ऐप्स हैं, उन ऐप्स को डाउनलोड करें और उस पर जाके अपना अकाउंट बनाएं, ठीक है। इसकी वीडियो नहीं होगी, अगर आप बोलेंगे कमेंट में कि मुझे हमें मुश्किल है, तो फिर मैं आपको वीडियो भी बना दूंगा। नेक्स्ट है NTN। NTN मतलब नेशनल टैक्स नंबर, ये आपको चाहिए होता है, ठीक है। एक कंपनी को रजिस्टर करवा दिया, फिर आपको NTN नंबर चाहिए। अब NTN नंबर को की भी आपको वीडियो बना के मैं दूंगा कि कैसे हम ऑनलाइन NTN नंबर अप्लाई के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या आप सैलरी पर्सन है, प्राइवेट बनते हैं या कंपनी के बारे में, इसकी भी कंप्लीट वीडियो आ गई। फिर नेक्स्ट है, फिर आपको कंपनी का लेटर हेड, लेटर पैड चाहिए, ठीक है। इसकी भी मैं डिफरेंट वीडियोस लेके आऊँगा, आपको वर्ड में सिखाऊंगा कैसे डिज़ाइन किया जाता है लेटर पैड, लेटर हेड डिफरेंट कंपनीज का, ठीक है। एक नो हाउ दूंगा, थोड़ी 3-4-5 वीडियोज होंगी, उसमें आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इस पर ग्रिप आ जाएगी। नेक्स्ट आपको कंपनी की स्टैम्प चाहिए, स्टैम्प आप बाजार से जाके किसी से भी बनवा सकते हैं, जैसे ये जो प्रिंटिंग के काम करते हैं वहाँ पे स्टैम्पों का, अगर हम इधर पर्टिकुलरली सियालकोट की बात करें तो यहाँ पे सिटी प्लाजा है, ड्रमा वाले चौक, वहाँ से आप इजीली बनवा सकते हैं। नेक्स्ट है चैम्बर मेंबरशिप, इसकी भी कंप्लीट वीडियो होगी। कि नेक्स्ट आपको लास्ट स्टेप यही है कि अपनी कंपनी को अपनी सिटी की चैम्बर में, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, जैसे सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स दुनिया में मशहूर है अपने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, स्पोर्ट्स इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, तो वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। इसकी भी मैं आपको कंप्लीट वीडियो बताऊँगा, ठीक है। और ये हो गया आपकी कंपनी डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि जब आपने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना है तो स्टेप बाई स्टेप आपको किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और क्या तरीकाकार होगा। जब ये आप सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लेते हैं, नेक्स्ट फिर आपकी जॉब आ जाती है विद इन अ कंपनी। कंपनी के अंदर कैसे प्रोसेस किया जाता है, कंपनी के अंदर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस मैनेजर का क्या कार रोल होता है, उसकी भी नेक्स्ट वीडियोज आएंगी कि कंपनी में आपने कैसे काम करना है। मीन एक ऑर्डर आ गया, ऑर्डर आने के बाद फिर आपने इनवॉइस जनरेट कर ली, पैकिंग लिस्ट कैसे बनानी है, लेबल्स कैसे बनाने हैं, फिर उसको शिप कैसे करवाना है, ये सारा प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में आएगा कंपनी के अंदर प्रोसेस कैसे किया जाता है। तो इस शॉर्ट सी वीडियो में आपको मैंने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस का एक इंट्रो करवाया है, ठीक है, हम कैसे काम करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो के साथ चलेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो कंपनी रजिस्ट्रेशन के बारे में है, कि हम कंपनी को कैसे रजिस्टर करते हैं ऑनलाइन, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है कंपनी रजिस्ट्रेशन के बारे में।